नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवता पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे। इस मौके पर संबित पात्रा ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया और उनकी कड़ी निंदा की। संबित पात्रा दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने के मामले पर बोल रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवता पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिरकत की। संबित पात्रा के निशाने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह रहे, जिन पर उन्होंने जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि दिग्विजय नर्मदे हर नहीं बल्कि रोहिंग्या रोहिंग्या कर रहे हैं। दिग्विजय के पाप माँ नर्मदा भी नहीं धो सकेंगी। आतंकवादियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय और हैदराबाद के ओवैसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। जहां तक रोहिंग्यान मुसलमानों का सवाल है, मुझे तो लगता है अगर रोहिंग्यान शब्द के साथ मुसलमान न जुड़ा होता तो इतना हल्ला गुल्ला ही नहीं होता। इस रोहिंग्यान शब्द के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है, इसी कारण हल्ला गुल्ला है। क्योंकि दुखद है, 70 वर्षों तक जिन पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, केवल हल्ला मचाया, केवल उनको वोट बैंक के रूप में देखकर जहां मुसलमान शब्द जुड़ा है वहां राजनीति करनी है, चाहे उसके लिए राष्ट्र सुरक्षा को ताक पे ही क्यों न रख दी जाए। आज सारी समस्या वही है। आप मुसलमान शब्द हटा दीजिए, फिर देखिए ओवैसी साहब नजर नहीं आएंगे। आप मुसलमान शब्द हटा दीजिए फिर देखिए वो कौन है आजकल नर्मदा में नहाने आए हैं, दिग्विजय जी। मुझे तो कभी कभी शंका होती है, मां नर्मदा में डुबकी तो लगा रहे हैं, नर्मदे नर्मदे सर्वदे सर्वदे तो नहीं कर रहे होंगे, रोहिंग्यान रोहिंग्यान ही कर रहे होंगे। नहीं, इनकी फितरत यही है और इनके विषय में सत्य बोलना चाहिए। आज देश को आवश्यकता है कि जो लोग देश को क्षति पहुंचा रहे हैं उन लोगों के नाम को सार्वजनिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से लेना चाहिए और उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। तो मैंने ओवैसी जी को दिखाया और दिग्विजय जी को दिखाया ये आईना। संविधान बड़ा है तो ये ओवैसी और दिग्विजय को सुने या संविधान को सुने, सरकार संविधान को सुनेगी। जो संविधान में बाबा साहेब ने कहा है वही माननीय है, जो अवैध है उसे निकलना है, उसे डिपोर्ट करना है और सरकार ने यही कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पार्टी के फायर ब्रांड माने जाते हैं। अपने विवादित और तीखी बयानबाजी की वजह से संबित पात्रा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। संबित पात्रा ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सपा नेता आजम खान को भी आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि आजम खान जैसे लोग आतंकवाद के बचाव में सड़क पर उतर आए हैं और सेना को नीचा दिखाना उनका फैशन बन गया है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ आज।